नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका एक बार फिर स्वागत है। शरद पूर्णिमा के दिन करें 8 कमल का ऐसा अचूक टोटका। इस दिन माता लक्ष्मी, यदि आप करते हैं ये टोटका तो माता लक्ष्मी आपके घर पूरे साल बनी रहेगी। और यदि आपकी किस्मत में धन नहीं भी लिखा है तो भी आपकी किस्मत में धन आ जाएगा। बस ये शरद पूर्णिमा के दिन ये 8 कमल के फूल का टोटका जरूर कर ले। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म शास्त्रों में शरद पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायक पर्व माना गया है। हम सभी जीवन भर धन लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य चाह रखते हैं। इसके लिए अपने परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चना, दान पुण्य, व्रत इत्यादि भी करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य हमारे पर बनी रहे। और शरद पूर्णिमा तो वह तिथि होती है जिस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना और उसको प्रसन्न करने के लिए किए गए उपाय और टोटके श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें शरद पूर्णिमा के दिन करने से घोर आर्थिक संकट भी दूर हो जाता है। जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत 13 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा, तो आप इन अचूक उपायों को जरूर करें। आइए हम आपको बताते हैं। शरद पूर्णिमा इस बार 13 अक्टूबर यानी रविवार के दिन है। शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर लेकर आएं और उन पर केसर का तिलक लगाएं। और इसके बाद आप 8 कमल के पुष्प लें। इन 8 कमल के पुष्पों को माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और इसके साथ अष्टकम पढ़ें। इस उपाय से करने से कुंडली में चाहे जैसा भी योग हो, चाहे आपकी कुंडली में धन हो या ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस जाएगी। बस इस 8 कमल के उपाय को आपको जरूर करना है। और इसके साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल अचूक उपाय है। शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान को आंवले, सिंघाड़े, नारियल, पीले पुष्प, लौंग, इलायची, केसर और मिष्ठान अर्पित करते हुए उनकी कथा जरूर कहें और उसको सुने। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक को जीवन भर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती रहती है। जातक के घर में, कारोबार में धन, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कारोबार चल पड़ता है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। ये शरद पूर्णिमा के दिन यानी कि 13 अक्टूबर को इस बार आपको करना है। इस उपाय को आप निश्चित रूप से करें, आपको जरूर लाभ होगा। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोजाना इसी प्रकार से धार्मिक वीडियोज़ को देख सकें। और यदि आप दिवाली डेकोरेशन या कोई अन्य चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।